Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अंग्रेजों के खिलाफ देवी अहिल्या ने छेड़ दी है मुहिम और लिया सबसे पहला बड़ा समझदारी का फैसला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज देवी अहिल्या एक गुप्त कक्ष में अपनी योजना बना रही थी और उस गुप्त कक्ष में सिर्फ चार लोग थे। चौथा जो बाद में आया, जिसको हमने कल की कड़ी में सुना था कि ये कोई आने वाला है जो बताएगा कि आगे की योजना कैसे रहेगी, और वहीं पे मैनाबाई भी आती है और हमें लगा कि पता नहीं कौन आएगा, माले राव आएगा या फिर द्वारका रानी दस्तक देगी, मगर मैनाबाई आई और उसने वो बातें सुन ली। तो इससे हमें लगा कि शायद कुछ नुकसान हो, मगर देवी अहिल्या ने बहुत ही समझदारी का आज जो है प्रदर्शन किया है दोस्तों, उसकी बात करेंगे। साथ में इसकी बात भी करेंगे कि कैसे देवी अहिल्या इस मुहिम को जीतेगी, क्योंकि देवी अहिल्या ने अब यलगार कर दिया है अंग्रेजों के खिलाफ, तो अब तो जीत पक्की है और अंग्रेजों का मालवा छोड़ के भागना भी पक्का है। चलिए जिक्र करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। माले राव का आवेश, माले राव का क्रोध और बचपना, ये ना कभी खत्म हुआ था, ना होगा और ना ही होने की कोई उम्मीद है। तो आज जो देवी अहिल्या ने माले राव के साथ किया वो सबसे पहला और अच्छा फैसला था जो देवी अहिल्या को करना ही चाहिए था। माले राव अपना पश्चाताप करना चाहता है और पश्चाताप में चाहता है कि मैं भी देवी अहिल्या के साथ मुहिम में शामिल हो जाऊं, क्योंकि जो मैनाबाई ने सुना, उसने सुना कि कोई योजना बन रही है अंग्रेजों के खिलाफ और उसने वही कह दिया माले राव को कि जाओ और शामिल हो जाओ, मगर देवी अहिल्या का ये समझदारी वाला फैसला कि माले राव को उसमें शामिल ही नहीं किया, क्योंकि जो एक बार इस मुहिम के लिए गलती कर सकता है और जिसकी वजह से मुहिम करनी पड़ रही है, क्योंकि अगर माले राव ये सब नहीं करता धोखाधड़ी तो आज अंग्रेज वहां पे पैर जमा के नहीं बैठे होते, तो उसको कैसे देवी अहिल्या लेके जाए, और वो भी अगर उनका बेटा भी है तो भी नहीं लेके जाएंगे। तो ये गलती तो माले राव ने कर दी है और देवी अहिल्या ने अपनी सजा भी बता दी है। ये तो बहुत ही बढ़िया था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। मुझे तो लग रहा था कि देवी अहिल्या उनका खून खोलेगा माले राव का, ये जख्म देख के जो उसके मुंह से खून निकला है, मगर देवी अहिल्या ने उसको देखा भी नहीं और उनका ध्यान सीधा सीधा अंग्रेजों के खिलाफ जो मुहिम है उस पे था। ये तो हो गया दोस्तों। अब गुन्नू जी भी इसमें शामिल है, गुन्नू जी कुछ कुछ कर रहे हैं, देखते हैं गुन्नू जी क्या करते हैं। मगर देवी अहिल्या ने जिस तरह से इस मुहिम की शुरुआत कर ली है और पहुंच गई है अंग्रेजों के खेमे में, चाहे एक बार फंस भी जाएं, मगर गुन्नू जी की स्कीम कामयाब होने नहीं देगी। गुन्नू जी उनको बहुत बार फंसा चुके हैं, मगर देवी अहिल्या हमेशा जीत दर्ज करके ही निकली है। और माले राव तो जैसे फंसता है वैसे ही फिर से फंसने वाला है द्वारका रानी के चुंगुल में, क्योंकि माले राव ना कभी समझ पाए हैं और ना ही कभी द्वारका रानी की बातों को समझ पाएंगे। उनको सीधा कुछ भी समझ में नहीं आता है, उनको घुमा फिरा के जैसे उनकी तारीफ करके लोग उनका फायदा उठाते हैं वही वो करते आए हैं। तो देवी अहिल्या के लिए माले राव तो मुसीबत बनते ही रहेंगे, मगर ये वाली मुसीबत जो अंग्रेजों वाली है इसको देवी अहिल्या बहुत ही सूझबूझ के साथ दूर करेगी और अंग्रेजों का गोला बारूद उनके ही खिलाफ यूज करके उनको ही वहां से पूरी तरह से निस्तनाबूत करेंगी। तो ये लगता है दोस्तों, बाकी आप भी बताइएगा, क्योंकि अगला हफ्ता इसी उसमें चलेगा, यही अंग्रेजों को भगाने वाली मुहिम में चलेगा। फंसना निकलना ये सब चीजें होंगी, मगर अल्टीमेटली अगले हफ्ते तक अंग्रेज जो है यहां से मालवा से जा चुके होंगे इस धारावाहिक में। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन। Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.